तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जीडी फंड के बारे में। जीडी फंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें से विड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जीडी फंड अपना एप्लीकेशन ओपन कर दिया है, उसके बाद ये कुछ नोटिफिकेशन है, इसको ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ माय प्रोफाइल में जाके चेक करते हैं, वॉलेट बैलेंस हमारा 657 रुपये 97 पैसे है। तो इसको हम विड्रॉ मारेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन इन करने पर भी हमको यहाँ कुछ बोनस मिलता है, तो सब साइन इन कर लेते हैं। और हमारा ये 658 रुपये 90 पैसे, यानी 1 रुपया लगभग हमको साइन इन करने पर भी मिला है। फंडिंग डिटेल में चेक कर लेते हैं, हाँ 93 पैसे मिले हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट इनकम 165 रुपये रात मिला। तो विड्रॉ मारने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे बोनस भी मिलते रहते हैं। जैसे कि ये 13 रुपये का कैश बोनस मुझे मिला था, उससे पहले भी ये 10 रुपये का कैश बोनस मिला था। ये सब कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आप सबसे पहले मैं आपको लाइव पेमेंट, दोस्तों विड्रॉ से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि हमने विड्रॉ किया फिर भी हमारा 3 से 4 दिन लग जाता है, ऐसे क्यों है। तो मैं उसके बारे में बता दूँ कि विड्रॉ पे जाने के बाद, यहाँ पर विड्रॉ करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मिनिमम विड्रॉल 200 रुपये से कम हमको नहीं विड्रॉ करना है। उसके बाद दिन में हम एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है। उसके बाद अगर विड्रॉ करने के बाद 1 से 48 घंटे के अंदर आ जाता है वैसे तो, और जिसका नहीं आता है वो मैं बताऊँगा क्यों नहीं आता है। दूसरा, यहाँ पर 6% टैक्स फीस लगती है, जो कि अगर आप 200 रुपये निकालेंगे तो 188 रुपये आपको बैंक अकाउंट में मिलेंगे। और चलिए फटाफट से विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मैं विड्रॉ की राशि डाल लेता हूँ, 658 रुपये विड्रॉ किया, विड्रॉ सक्सेस हो गया। अभी यहाँ मेरे पास 90 पैसे बाकी रह गया वॉलेट में, और देखते हैं कितनी देर में ये हमारा आता है। जब तक विड्रॉ रिकॉर्ड देख लेते हैं, यहाँ हमारा विड्रॉ बैलेंस 658 रुपये पेंडिंग में हो गया है। उससे पहले मैं 363 का विड्रॉ ले चुका हूँ, फिनिश दिख रहा है। तो फिनिश का मतलब होता है कि विड्रॉ हो चुका है, पेंडिंग में है, देखते हैं कितनी देर में आता है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमको अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, ताकि वो सारा बैलेंस जो हमारे बैंक अकाउंट में आए। यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वाइंड पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करके हमको यहाँ पूरी डिटेल भर लेनी है। सबसे पहले बैंक होल्डर का नेम, IFSC कोड, बैंक का नाम और यहाँ पे बैंक अकाउंट, उसके बाद हम कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, वो सैटरडे और संडे को भी विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सैटरडे एंड संडे पब्लिक हॉलीडेज होता है, तो यहाँ पर ये विड्रॉ नहीं लेते हैं। तो आप सैटरडे संडे को विड्रॉ नहीं करें और मंडे को भी नहीं करें, क्योंकि मंडे को बहुत सारा रश रहता है, तो उसकी वजह से पेमेंट आने में दिक्कत होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, अभी तक मैंने इस एप्लीकेशन में 4800 रुपये लगा चुका हूँ, जिसमें मैंने 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं इनके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट मैंने इनका ख़रीदा था 300 रुपये वाला, जिसमें मुझे 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। फिर दूसरा प्रोडक्ट इनका मैंने ख़रीदा था 1500 रुपये का, जिसमें मुझे कुल राशि मिलेगी 9000 रुपये। डेली रेवेन्यू 75 रुपये का है, जब इसमें से मुझे अभी तक 300 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तीसरा प्रोडक्ट मैंने इनका ख़रीदा था 3000 रुपये का, जिसमें डेली रेवेन्यू 165 रुपये है, और जिसमें मुझे टोटल अमाउंट मिलेगा 4950 रुपये, जो कि 30 दिन में मुझे मिलेगा। और अभी तक मुझे इस वाले प्रोडक्ट से 330 रुपये का प्रॉफिट। चलिए विड्रॉ रिकॉर्ड में हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 658 का विड्रॉ मैंने सुबह मारा था, वो लगभग मेरा 618 रुपीज़ मिला है, और 2:13 पे, यानी लगभग 4 घंटे के अंदर मुझे मेरा विड्रॉ मिल चुका है। दोस्तों, आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, आपका विड्रॉ कभी भी लेट नहीं होएगा। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपने पेमेंट मेथड में अपना बैंक IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर सारा ठीक डालो। दूसरा, आपको सैटरडे संडे और मंडे को विड्रॉ नहीं करना है। तीसरा क्या है, तीसरा 9 से 6 बजे के बीच में विड्रॉ करना है, भले वो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को करना हो तो 9 से 6 बजे के बीच में करना है। आपका नहीं आ रहा है तो आपको मैं कस्टमर केयर का बता देता हूँ, यहाँ पर आपको
कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत हो यह सॉल्व कर देंगे। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज को आपको बताया था विड्रॉ कैसे करते हैं जीडी फंड में। और आपको इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको डिटेल में कैसे ऐप डाउनलोड करते हैं, कैसे आईडी बनाते हैं और कैसे ये प्रोडक्ट